हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ मलाई कोफ्ता, जिसके लिए मतलब हमें कुछ भी बाजार से नहीं लाना पड़ता है। ये मेरी मॉम की रेसिपीज हैं और सब कुछ घर में अवेलेबल है। इसके लिए हमें चाहिए 3 प्याज मीडियम साइज़ के, टमाटर और अदरक, 1 कप मलाई, और ये मैंने प्याज और टमाटर पीस लिया है। और हमें चाहिए 1.5 टेबल स्पून मैदा, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच गरम मसाला और 1 टेबल स्पून फ्रेश मलाई जो कि हम ग्रेवी में डालेंगे, लाल मिर्च स्वादानुसार, नमक स्वादानुसार 1 चम्मच, 1/2 चम्मच पिसी हल्दी। अब हम ये मलाई लेते हैं और इसमें हम ऐड करते हैं 1 टीस्पून मैदा और हम इसको मिक्स करेंगे। अगर हमें लगता है कि हमें और मैदे की ज़रूरत है तभी हम इसमें मैदा ऐड और करेंगे। अभी मुझे लगता है अभी थोड़ा कम है तो मैं इसमें 1 चम्मच और डाल रही हूँ, और थोड़ा सा साल्ट, लाल मिर्च, और मैं अब इसको मिक्स कर रही हूँ। हमें इसको इस तरह का कर लेना है कि बस ये कोफ्ते आराम से तल जाएं और किसी भी चीज़ की हमें इसके लिए आवश्यकता नहीं है। क्योंकि अगर ज़्यादा मैदा ऐड कर दिया तो फिर ये सॉफ्ट नहीं बनेंगे। अब ये मिक्स हो गया है, थोड़ा सा मैदा, 1/2 चम्मच मैदा मैं इसमें और ऐड कर रही हूँ। इधर मैंने अब कढ़ाई को गर्म होने के लिए रख दिया है और मैंने कोफ्ते के लिए मलाई में मैदा, नमक, मिर्च डाल के ये तैयार कर लिया है। अब मैं थोड़ा सा टेस्ट करके देखूंगी कि ये कढ़ाई में पक तो नहीं रहा है। ये बिल्कुल ठीक है, हाथ पे हम थोड़ा सा ग्रीस करेंगे और छोटे छोटे कोफ्ते बनाकर तलेंगे। घी बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए नहीं तो ये एकदम से तैयार हो जाएंगे। देखिए ये मीडियम साइज के कोफ्ते हैं। ये मेरी मॉम्स की रेसिपी है जो मैं फॉलो कर रही हूँ। मेरी मॉम बहुत अच्छा खाना बनाती है। कोफ्ते इस तरह के दिखाई दे रहे हैं, ये फ्राई हो रहे हैं। फ्रेंड्स ये देखिए मेरा मसाला तो तैयार हो गया है। अब इसमें मैं 1 टेबल स्पून मलाई ऐड करूंगी। मलाई ऐड करने के बाद हमें इसे थोड़ी देर ही चलाना है। जब तक मलाई मेल्ट नहीं हो जाती फ्रेंड्स, हमें एक चीज का ध्यान रखना है। ये ग्रेवी हम बना के रख लेंगे, कोफ्ते हमें उसी समय डालने हैं जब हमें सर्व करना होगा, तो हम ग्रेवी को गर्म करके फिर उसमें कोफ्ते ऐड कर देंगे, नहीं तो कोफ्ते सारे फूट जाएंगे क्योंकि बहुत सॉफ्ट कोफ्ते हैं। देखिए
मैं एक फोड़ के दिखाती हूँ आपको। देखिए कितना अंदर से अच्छे से सिक गया है। अब हम ग्रेवी में थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। आप पानी की जगह मिल्क भी ऐड कर सकते हैं अगर आपको रिच बनानी है थोड़ी सी। बहुत ज़्यादा पानी हम इसमें नहीं डालते क्योंकि इसकी ग्रेवी बहुत थिक होती है। देखिए फ्रेंड्स, मलाई कोफ्ता तैयार हो गया है और इसे बनाने में 10 मिनट से ज़्यादा नहीं लगे होंगे और ना कोई बाज़ार की चीज़ की कोई ज़रूरत है। आप इसको एक बार ट्राई ज़रूर करें प्लीज़।